शासकीय नवीन महाविद्यालय बस्तर में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। शासकीय नवीन महाविद्यालय बस्तर के प्राचार्य भावेश कुमार नेताम के मार्गदर्शन में दो दिवसीय शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महाविद्यालय में रंगोली, केस सज्जा, मेहंदी, क्विज, वाद विवाद, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट दौड़, गोला फेंक, इंडोर आउटडोर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त सहायक प्राध्यापक एलडी साहू, के यादव, एसआर यादव, भारती वर्मा, डॉक्टर विनीता सिंह पाल, अनुसुईया चंद्रवंशी, अक्षर शर्मा, दयानंद बसु, अभिषेक बिसाई आदि लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। जितेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। की कमी होने के कारण वहाँ की सरकार ने घोषित कर दिया था कि वहाँ पर केवल उर्वरकों के कारण ही खेती की जाएगी, कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा। और उसका फल ये था कि खेती तो हुई, अच्छी खेती भी हुई, परंतु उसका जो रिजल्ट था वो बहुत कम था, जिसके कारण वहाँ के लोगों के बीच में भुखमरी फैल गई। करना चाहूंगी आज की जनसंख्या के ऊपर। आज की जनसंख्या इतनी है कि सभी लोगों के लिए भोजन पर्याप्त रूप में नहीं वो हो सकता है। इसी के कारण हमें रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है और होने वाली बीमारियों का हमारे पास दवाइयां भी जो है वो साइंस